अब क्या होता है, शैतान, मैंने कहा ना आपको, मिनल जिन्नति वन्नास, उसको सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना वो घर तोड़ने में आता है। ऑल गुड, उसको घर तोड़ने में आता है। और शैतान जो होते हैं ना इंसानी शक्ल में और शैतानी शक्ल में तैर रहे होते हैं समंदर में देखने के लिए कि कीड़े की मछली कौन सी कमजोर है, कौन से घराना कमजोर है। और हर जगह शैतान इंसानी शक्ल में होता है या उनके ऊपर गालिब हो रहा होता है और वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम घर का कमजोर नक्का जो है ना उसको जाके पकड़े। और जैसे उसको वो मिलेगा वो वहां पर उसके कान के ऊपर वसवसे देना शुरू करते हैं। बहुओं के मामले में सबसे बड़ा काम सास के इर्द गिर्द गलजना होती है जो उसको कह रही होती है कि इन्हें बेटी मत बना, इन्हें बहू ही रख। तो सास की एक कैबिनेट होती है पूरी सही, जो काना फूसियां कर रही होती है उसके इर्द गिर्द कि जिनको तू, उनकी शुरुआत जो होती है ना, जो जो नॉर्मल घर होंगे ना वो उसको बेटी समझ रहे होंगे और बेटी उसको मां समझ रही होगी, बाप उस बहू को बेटी समझ रहा होगा और वो उसको बाप समझ रहे होंगे। हदीस के अल्फाज हैं, माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा अगर तुम्हें इज्जत देनी है तो अपनी बीवी के घर उसके मैके वालों को देनी है, माँ बाप के बाद सबसे बड़ी इज्जत के मुस्तहिक हैं। तो जब शरीयत ने सारी डिफाइन कर ली है कि किसकी इज्जत है, कि उन्होंने बेटी दी, हमारे माशरे के अंदर क्या, उन्होंने बेटी दे दी है तो उन्होंने अपनी इज्जत भी बेच दी है, उन पे सारे जुल्म करने जायज हैं, ठीक है, जिन्होंने बेटियां दे दी हैं। और जो हम हमारे जो बेटे हैं जी वो क्योंकि हम सरदार हैं जी, जो बेटे हो गए तो हम सरदार हैं, ये माशरे की बड़ी अजीब रीत भी है आपके भरोसे की। पॉइंट यहाँ पे ये है दिल भाई के सास की एक कैबिनेट होगी जो बहुओं के खिलाफ कर रही होगी और बहुओं के इर्द गिर्द घर की जिड़ी नूह होती है उसके इर्द गिर्द एक कैबिनेट आएगी 3-4 साल की शादी के बाद जो काना फूसी लेगी और बताओ तुम्हारी देवरानी कैसी और तुम्हारी जेठानी कैसी और तुम्हारी सास के साथ ताल्लुकात कैसे। पहले दोस्तियां बनती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान जो होता है, जो आपके कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसपे हर बंदा क्लिक करता है, उसको छेड़ना शुरू कर देता है और बंदे में वल्नरेबिलिटियां निकाल रहा होता है। तो जिधर सास ने, अच्छा बाप जो होगा उसके अगर हल्के के अंदर ऐसे लोग हुए, बाप को वैसे कम ही होता है, वैसे औरतों के अंदर ये टेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब आपको नहीं है ना उनके पास। आपको लड़कों में कभी ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे जो आपको फैमिली के खिलाफ कर रहे हैं, कम ही मिलते हैं। अपने काम से काम उन्होंने अपनी बदमाशियां करनी है, बाहर तफरियां करनी है, शुगर लगाने। आई यू वोंट फाइट एंड हैड एनी फ्रेंड्स हु यूज्ड टू पुट देयर नोज इन माय होम अफेयर्स। बस वो ये बात है, वो इतना वो असल में किसी से भाग के आ रहे हो दोबारा उसकी बात कैसे करें। हां वो इतना अपने वो ऐसे उनके अपनी जिंदगियों के इतने मसले होते हैं। आई थिंक द बॉयफ्रेंड जो आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके दोस्त यार होते हैं लड़कों के, उनको कोई कंसर्न नहीं होता घर में क्या चल रहा है, वो तो बाहर आए हुए जन्नत वो जन्नत बनाने बाहर आए हुए, वो कहते हैं एक दोजख से निकल गए हैं दूसरी दोजख नहीं बनानी है, आप वो कहते बात ही ना करो। मगर मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत ताना फूसी होती है खवातीन के मामला में। और सिर्फ बात कर रहे हैं हम, मैं कोई शोविनिस्टिक कमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई जुबत नहीं कर रहा, सिर्फ बात बात नहीं नहीं पहले वो तरह तरीके से दोस्ती होती है ना, कहीं हॉस्पिटल में मिल गए, कहीं पे किसी दुकान में मिले, कहीं दोस्ती आ रही हो गई, पुराने को पुराना कहीं मुलाकात हो गई, और सुनाओ कैसे हो, अभी और सुनाओ से कहानी शुरू होती है, और सुनाओ के अंदर अच्छा ठीक है ना, सब ठीक है हम सब उसके बाद जो है वो एक पॉइंट होगा जहां पे वो जज कर लेगा, ओ ये है दुखती रग, और इस दुखती रग के ऊपर ना वो फिर स्प्रिंकल करना शुरू करते हैं, जिससे जो होती है अगर वो अपने खानदान की समझदार होगी ना औरत, तो वो ये कहेगी भैया उसूल क्या है खानदान के, उसूल बड़ा उसूल क्या है घर की बात कर, कि घर खानदान से जुड़ के आपकी इज्जत है, इनफरादियत अपनाने में आपकी इज्जत नहीं है, सही माइनस घर आपकी इज्जत नहीं, आप अपने ससुराल में चाय दलील हो जाए या आप अपने खामंद के साथ चाय दलील हो जाए, अल्लाह होना नहीं चाहिए, मर्द को औरत की इज्जत करनी चाहिए शरण, औरत को मर्द का एहतराम करना चाहिए शरण, दोनों को आपस में बोझ बांटना चाहिए शरण, आपस में लड़ाई हो गई है बहुत सारी लड़ाई हो गई, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं 10 जूतियां खा ले, लेकिन जो दुनिया का उसूल है ना कि कोई दिल नहीं देगा, कोई पैसे नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई टाइम नहीं देगा और कोई रुतबा मकाम नहीं देगा, ये चीजें लेके ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपने अपना दिल खोल के घर की इज्जत बाहर नीलाम करनी है ना जाए कर लें, लेकिन यहां कम से कम आप एक जगह पे डूब रहे हैं मगर 10 सरदारियां कायम है आपकी, सही आप 10 जगहों पे बादशाहों की तरह बैठे हैं, इसलिए घर की मार खा लो, घर की मार 10 जगहों के ऊपर जलील होने से बेहतर होती है, घर तो है ना। इसी तरीके से अगर एक माँ घर की सास अगर वो ये कहे भाई जो भी है मेरा घर है मैं जैसे भी चलाऊं, मैं अपना पेट क्यों खोलूं किसी के आगे, सही
मेरे घर का मसला है ना, मैं क्यों उसे लाफिंग स्टॉक बनाऊं, मैं क्यों घर की बात बाहर करूं। बड़ी बड़ी जो बड़ी बहू होगी उसे चाहिए नीचे की सारी बहुओं का ख्याल रखे, चाहे उसको 10 कॉम्पिटिशन मिल रहे। बाहर अपने घर में, आपके घर एक औरत के भाई की बीवियां भाइयों पे राज कर रही हैं, वो थोड़ी आपके साथ सक्की हो, वो थोड़ी भाई अब आपके साथ सक्का होगा पहले की तरह। आपको क्या लग रहा है ये वो भाई था जो क्लास 11 में साथ था, इसके तो 3 बच्चे हैं अब। आपका भाई अब आपका भाई नहीं रहा, ये मैं बहनों को भी कह रहा हूँ, भाइयों को भी कह रहा हूँ, आपका भाई अब आपका भाई नहीं रहा। अब उसके दिल में उसकी बीवी भी है, उसके 3 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, फिर उसकी सास भी है, फिर उसकी सालियां भी हैं, आप कहाँ हैं उसमें? तो क्या सोच के कदम बढ़ा रही हैं आप, या कदम बढ़ा रहे हैं आप? ये है बेवकूफियां कि भाई हम जैसे भी हैं ना आपस में जुड़े हुए तो हैं, ठीक है मसले चल रहे हैं, मसले जो दरवाजा खोलेगा शैतान घुस जाएगा। और वही मोहब्बत भरे रिश्ते जो कुछ अरसे के बाद कॉम्प्लिकेटेड है ठीक हो जाने थे, एक ना एक टाइम पर बड़ा कहेगा कि नहीं यार जैसा भी था वक्त काटा इसका, और छोटा कहेगा या छोटी कहेगी यार जैसे भी थे वक्त कट गया हमारा। उसके बीच में अगर आपने काना फूसी कर दी और वल्नरेबल हो गए तो आप तरजीह देना शुरू कर देंगे, तो मैं इसको तो कुछ नहीं कह सकता, चलो मैं इससे दिल लगा लेता। एंड दैट इज वेयर द फेवरिज्म कम्स। सही कि आप एक को दूसरे के ऊपर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से पूरा शिरादा खराब हो जाता है कि यार हम तो देख रहे थे कि शेख साहब तो सबका ख्याल रखते थे, ये एक्स्ट्रा बैंड क्यों ले लिया शेख साहब। नबी सल के बारे में क्या आता है, हर सहाबी कहता था मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझसे करो, दैट्स लीडरशिप। हम तो फेल हैं इसके अंदर, लेकिन जिहाद तो यही है ना कि आपने ये दिखाना होता है चाहे आपके 1000 कॉम्प्लिकेशंस, आप ठीक हैं बेटा, आप ठीक हैं, आप सही हैं, आप सही हैं। उसके दिल पे अगले के जुबान के वार से बड़े के कलेजे फट चुके होते हैं, लेकिन वो अपना जाहिर जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा लगा, ठीक है आप सही हैं, आप आए, आप भी आ जाओ अदील बेटा, आप भी आ जाओ जैफा, आप भी आ जाओ सारे आ जाओ भाई, सारे बैठते हैं, सबकी आपस में लगी हुई होगी। उसने ये इम्पोज कराना होता है कि मैं फैब्रिक खराब नहीं, लोग आके पूछते भी हैं कभी कभी कि आपको तकलीफ नहीं होती कि इतना कुछ चल रहा है आपके नीचे, भैया मेरे घर का मसला मैं कुछ सॉल्व करूँ, आप मत ना मिला इसको, अच्छा मशवरा देना है तो दें, नेगेटिव बात ना करें हमारे साथ, मेरा अपना घर है मैं खुद समझता हूँ कैसे ठीक। ये एक मुट्ठी जितनी बंद रहेगी इज्जत ज्यादा है उसकी। इस पर आपने कुछ कहना था कुछ? यानी हमारा इसमें लुबे लुबाब जो है, जो समरी है वो ये है इस वाले फेज की, कि घर की बात घर में रखी जाए और लोगों को जो है वो चस्का लेने का और मजे लेने का मौका ना दिया जाए आपकी बातों से। लोग शुरू में आते हैं हाँ हाँ मुझे बताओ, मैं सिंपैथी आपको आपको देने के लिए कि ठीक है आप बड़े गम से गुजरे, हाँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा हुई, लेकिन बाद में बाय द एंड ऑफ द डे आपका गम पुराना हो जाएगा, लेकिन वो बात बाहर चले गई और चले गई, वो वापस नहीं आ सकता। हमारे बड़े एक बात कहा करते थे कि हमारा बड़ा रोब था बेटा खानदानों के अंदर के हालात हम जानते थे, तुम्हारे इस वाले की हरकत की वजह से ना हमारा टैका टूट गया माशाल्लाह।